तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे इस वाले सवाल में कि क्या कहा जा रहा है, कि ये कहा जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ एफ वन है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस देखो एक मिरर है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि एक अपने पास मिरर है, दिस इज़ द मिरर एंड दिस इज़ द मिरर एंड दिस इज़ द लेंस, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है मिरर की एफ वन है और लेंस की यहाँ से फोकल लेंथ एफ टू है। बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फॉल ऑन कन्वेक्स लेंस, लेंस पे पड़ती है एंड कॉनकेव मिरर कॉम्बिनेशन रिटर्न टू इन्फिनिटी, तो डी कितना होगा, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा। ये बात ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आई है और इन्फिनिटी को वापस चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये रहा अपने पास लेंस और ये अपने पास लेंस है और यहाँ से एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है जो कि मिरर का नेचर जो है वो कॉनकेव मिरर है। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है यहाँ से, तो जो रे आ रही है यहाँ से ये इन्फिनिटी से आई थी और इन्फिनिटी को वापस चली गई, ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब इन्फिनिटी से यहाँ से आ रही है और ये सारी रे आ रही है और ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये लेंस और मिरर लेंस के फोकस पे कन्वर्ज होगी और उसका फोकस ये लेंस, दिस इज़ द फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ लेंस एंड मस्ट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्यों, क्योंकि अगर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तभी तो ये 90 डिग्री पर मिरर पे पड़ेगी और वापस चली जाएगी। तो ये जो एंगल है मिरर पे इंसिडेंट का, दैट एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि जैसे आई थी वैसे इन्फिनिटी को रीट्रेस करना है, तो ये ऐसे जा तो रही है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी ऐसे, तो वापस आएगी तभी तो जाके इन्फिनिटी को आई थी, इन्फिनिटी को चली जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ से भी आई थी ऐसे, तो ये मिरर पे तो फोकस से पड़ेगी लेकिन जो मिरर पे पड़ेगी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये ऐसे आई थी और ऐसे वापस आ जाएगी, ऐसे गई थी और ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक ना। तो ये सिनेरियो कुछ तो ये पूछा रहा है कि ये वाली जो सेपरेशन है, दिस डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड मिरर डी, वी नीड टू कैलकुलेट दिस डी। तो इसका जो फोकल लेंथ है यहाँ से ये डिस्टेंस जो आ जाएगा वो एफ वन है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये टू एफ टू है, ठीक ना। तो यहाँ से टू एफ टू है, तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो एफ वन प्लस यहाँ से एफ वन, एफ वन किसका था, मिरर का था, सॉरी यहाँ एफ वन जो है मिरर का था, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बच्चे लो मैं थोड़ा सा इरेजर ले लेता हूँ, यहाँ से ये एफ वन है, ठीक है ना, और ये एफ टू है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, तो ये टू यहाँ से एफ वन और यहाँ से टू एफ टू, तो फाइनल जो डी आ जाएगा, डी वो टू टाइम्स एफ वन प्लस एफ टू के इक्वल आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास सी ऑप्शन सही हो जाता है।